असलम स्टूडेंट्स इससे पहले चैप्टर नंबर ट्वेंटी थ्री तक डिफरेंट दो बोर्ड्स के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एक्सटेंसिव क्वेश्चन हमने डिस्कस किए इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं चैप्टर नंबर ट्वेंटी फोर जो कि एवोल्यूशन से रिलेटेड है उसमें से इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन या एक्सटेंसिव क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं

वहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो वट आर फिक्सड अलील कि अगर किसी भी एक चीज के लिहाज से किसी भी एक ट्रेड के लिहाज से अगर किसी पॉपुलेशन के तमाम जो मेंबर हैं वो क्या हों वो होमोजाइगस हों फॉर दैट रिसेसिव अल कोई भी एक ट्रेट है उसकी रिसेसिव अलील है और एक पॉपुलेशन के तमाम अगर मेंबर उसके रिसेसिव अलील के लिहाज से होमोजाइगस हों

एविडेंसिस फ्राम कम्पेरेटिव कंपेरेटिव एनाटमी है वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन uh, है कि वह एग्जाम्पल्स बहुत सी एग्जाम्पल्स आपने जो प्रोवाइड करनी है जैसे पिनाफ ह्यूमन ईयर वर्मी फोरडेक्स है विजडम वर्मि, टीथ है ह्यूमन चेस्ट uh, तो ये सारे वेस्टिजियल ऑर्गन है है, उसका जो एज एविडेंस ने प्रोवाइड करनी है मॉडर्न सिंथिस भी कहते हैं इसके बारे में डिटेल आपने डिस नए मैनी फोर एक्सटिंग इन पाकिस्तान है uh, के नाम से हमारी बुक में आखिरी टॉपिक वहाँ पर लास्ट पैराग्राफ में ये uh, कुछ स्पीसीज जो कि एक्सटिंग डिक्लेयर हो चुकी हैं उनकी लिस्ट बताइए वो आपने जबानी याद की भी में रखनी है और एक्सटिंग की भी रखनी है एक्सप्लेन ब्रीफलीस एवोल्यूशन तीन बड़े हाइपोथिस हैं

टेंट क्वेश्चन है हार्डे विंग बर लॉ जो है खुद बहुत इंपॉर्टेंट है उसको डिफाइन भी करना है उसकी इक्वेशन वो अभी आपको आनी चाहिए और इसके अलावा जो हार्डे विंग बर लॉ को फैक्टर फैक्टिंग जीन है वो आपको जहन में आना चाहिए बट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट अगेन रिपीट हुआ है डिफाइन द थ्यूरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन शुरू में ही तो थ्योरी ऑफ आइडिया ऑफ स्पेशल क्रिएशन और आइडिया ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है इन दोनों की डेफिनेशन आपको पता आने चाहिए डिस्क्राइब द दिन इमेजिनेशन ऑफ यूक्रोटिक सेल एवोल्यूशन जैसे पहले बताया कि दोनों जो हाइपोथेसिस 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 इन्वेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बट इज मॉडर्न सिंथेसिस वही न्यू डार्विनिज्म का दूसरा नाम है इसको आपने जेहन में रखना है और इसको मॉडर्न सिंथेसिस क्यों कहते हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन फॉसिल्स वेयर आर द फॉसिल्स फाउंड तो फॉसिल्स की डेफिनेशन करनी है और कहाँ पाए जाते हैं ये सेडिमेंटरी रॉक्स में पाए जाते हैं तो येलो बॉक्स दिया हुआ है एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में फोसल रिकॉर्ड में वहां से क्वेश्चन है

बड़े जीनेटिक ड्रिफ्ट बार बार रिपीट हो रहा है अब हम आते हैं एक्सटेंसिव क्वेश्चन इसमें से कौन कौन से पूछे जा सकते हैं राइट एंड नोट ऑन एवोल्यूशन फ्रॉम प्रो क्रियाट्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट एक्सटेंसिव इसमें से कुछ भी आ सकता है स्टेट डिफरेंट फैक्टर जीन फ्रिक्वेंसी वही विंग बार जो लॉ है उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट है माइग्रेशन है म्यूटेशन है, है ये सारे जो नेचुरल सिलेक्शन है ये सारे आपने जहन में रखने हैं डिस्क्राइब द हार्ड विंग बर्थ थ्योरियम पूरी डिटेल लिखनी है हार्ड विंग बर्थ थ्योरियम की डेफिनेशन उसकी आ, आगे इक्वेशन है और उसके बाद उसकी एप्लीकेशन है वो आपने डिस्कस करनी है जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं और एलिलिक फ्रिक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं डिस्क्राइब द कम्पेरेटिव अनोटमी एज एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन तो एविडेंसिस ऑफ एवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है इनमें से कोई एक एविडेंस एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है जैसे कम्पेरेटिव अनाटमी बायोजोग्राफी फॉसल रिकॉर्ड इनमें से कोई चीज़ आपसे पूछी जा सकती है एनालाइज डॉर्वन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एज अ मेकनिजम ऑफ एवोल्यूशन तो इसमें डॉर्वन थ्योरी को डिफाइन करना है आपने उसके दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट को ज्यादा फोकस में रखना है डिस्क्राइब द इन ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर लामार्क थ्योरी का दूसरा नाम है इसको भी आपने डिटेल में देखना है एक्सप्लेन द एंडो समी डिस्कस हो चुका है वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें सिर्फ एक आइपोथिस पूछा गया उसकी डिटेल आपने बतानी है एंडेंजर सी पिछेज टॉपिक है इसमें से आज एक्सटेंसिव क्वेश्चन भी आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो यहाँ तक हमारे पास जो चैप्टर नंबर ट्वेंटी फोर है उस पार्ट एंड शॉर्ट को जो खत्म फाइव को वीडियो वीडियो नेक्स्ट आप देख सकते बैकग्राउंड में ये छोटा मेरा बेटा है बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है बट चूंकि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था तो मैंने मुनासब समझा कि इसको बहुत जल्दी रिकॉर्ड किया और इसमें स्क्रीन पर से मैं भी गायब हूँ तो उसकी टेक्निकल रीजंस कुछ हैं कि मैं ये आउट ऑफ वे जाकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बच्चों चुक, के लिए ज़रूरी था अभी पेपर उनके आ रहे हैं तो आई वाज अवे फ्रॉम माय स्टूडियो और दोबारा से स्टूडियो को अभी शायद रिसेंटली ज्वाइन करना मेरे मुश्किल था लिहाजा मैं इसको रास्ते में ही कहीं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस पूरे जो हमारी प्ले लिस्ट बनी है इस प्ले लिस्ट में आपको पूरे के पूरे चैप्टर जितने भी हैं उन सब की आपको वीडियो मिल जाएगी इसके अलावा मैं आपको एक वर्ड फॉर्म में भी शेयर कर रहा हूँ वर्ड फॉर्म में जितने भी ये चैप्टर दिए हुए हैं इनके इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मिल जाएंगे आपने लिंक तो पर, तो पर क्लिक करना है तो आपको डायरेक्ट वीडियो पर चले जाएंगे अगर आपने चैप्टर नंबर फिफ्टीन के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखने हैं तो फिफ्टीन चैप्टर के नीचे लिंक पर क्लिक करना है तो इस तरह से आप किसी भी चैप्टर तक एक्सेस ले सकते हैं ओवरऑल मैंने वैसे ही ये प्ले लिस्ट पूरी बनाई इस प्ले लिस्ट में आपको सिक्वेंस वाइज ये चैप्टर मिल जाएंगे अपना ज़्यादा ख्याल रखिएगा दुआ करता हूँ अल्लाह आपको अपने इन तमाम अहमतनात में चाहे वो दुनिया के हैं या दुनिया के बाद वाले इन अम्तानात में कामयाब फरमाए अपना ज़्यादा ख्याल रखिएगा फी अमान